सभी का धन्यवाद। आज हम हैं अभी तो लखीमपुर खीरी में हम आए हुए हैं। एक अभी पता चला, उनका ट्वीट देखा जो हमारे पहलवान बच्चे दिल्ली में थे कि वे हताश होके और अपने मेडल गंगा जी में प्रवाह करने जा रहे हैं। इस तरह का कोई कदम ना उठाएं, वो समाज की धरोहर है, वो इस देश के बच्चों की धरोहर है, वो राष्ट्र की धरोहर है, वो तिरंगे की धरोहर है। हम इस संबंध में अगर हमको वे मेडल वापसी देने होंगे तो राष्ट्रपति जी को वे मेडल वापसी दिलवाएंगे, सब लोग उसमें फैसला लेंगे। कोई भी इस तरह का कदम ना उठाएं और ना हताश होने की जरूरत है, क्योंकि आपने बहुत मजबूती से वो लड़ाई लड़ी, पूरे देश ने लड़ी, पूरा देश इस मूवमेंट के साथ में है। हम जहां जहां पे भी जा रहे हैं तो ये एक अंडर करंट है, सब लोग इस पे क्वेश्चन पूछते हैं और ये चर्चा का सवाल है कि दिल्ली में पहलवानों के धरने पे ये क्या हुआ। सब लोग जहां पे भी है वे वापसी आवे, संपर्क करें, हम भी उनसे संपर्क करेंगे और पुलिस और LIU के लोग भी होंगे, वे भी उनसे संपर्क करें। अगर किसी से संपर्क हो, वे भी मेरठ हरिद्वार से की तरफ जा रहे हैं तो जहां पे भी है उनको रोक के और उनको वापसी करें, उनको समझाने का प्रयास करेंगे। आगे ये मूवमेंट कैसे चलेगा, ये कोई उन बच्चों का आंदोलन नहीं है ना उनका मूवमेंट है, ये देश के सभी खिलाड़ियों का मूवमेंट है। इसमें सरकारों से भी बातचीत इस संबंध में करेंगे। तो आप लोगों का सबका धन्यवाद और आप जहां पे भी वे बच्चे लड़कियां हैं वे वापसी हों, रुकें और हमारे से सब किसी भी लोगों से आप संपर्क करें। इस लड़ाई को आगे लड़ा जाएगा मजबूती के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।